पहला सवाल एंड एंड आई टू नो दिस मुशाहिद साहब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं आप, आपकी लीडरशिप को अच्छा तो नहीं लगता होगा आप मुबरना है आपसे सवाल नहीं होता कोई अच्छा आपसे अच्छा गिला नहीं, नहीं, नहीं करता पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं कि आपका कवरेज इलेक्शन uh, में बहुत अच्छा था थैंक यू सर लेट बाई अदर्स ऑल्सो और uh, बड़ा खुल के टिका uh, के सच भी बोला और मालूम भी फ्राहम की बर वक्त एंड इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम्स देखें जी इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है आई एम फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ए पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तान उसके बाद पार्टी आती है उसके बाद पर्सन आता है इन दैट ऑर्डर तो अगर एज ए पाकिस्तानी हम बात करें अगर तो वो तो सब लोग हैं लंबी लाइन है चापलूसों की साइकोफ्रेंड्स की, साइको की जनाब क्या फरमाया कायदे मोहतरम ने यह कह दिया इशू इस वक्त पाकिस्तान का है एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान आप आप पहले यू बीन वेरी कंसिस्टेंट इलेक्शन से पहले से कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वजारत उजमा के लिए एस्पायर भी नहीं करना चाहिए क्यों वाई डिड यू हैव दैट मच क्लैरिटी बिफोर इलेक्शन मेरा ख्याल था कि ये बदला हुआ पाकिस्तान है ये पाकिस्तान दो हजार सत्रह अट्ठारह वाला नहीं है पांच छह सालों में एक बुनियादी तब्दीली आ गई है अवाम की सोच में और सिस्टम की सोच में भी वाई सिस्टम आई मीन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी इंक्लूडेड इस बदले हुए पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की गुंजाइश बहसीत वजर आजम नहीं दिख रही थी आपको। आ, इस बदले हुए पाकिस्तान में बहुत मजबूत वजीर आजम, जो एक जमाने में मियां साहब होते थे भारी मैंडेट के साथ उसकी गुंजाइश अब इस माहौल में नहीं है क्योंकि ये सिस्टम मैंने जैसे मैं कहा था हाइब्रिड प्लस है हाइब्रिड प्लस ही आउट ग्रोन दिस सिस्टम आप कह रहे हैं ही इज क्योंकि एक मजबूत मैंडेट के साथ वो आपको नजर आ रहे हैं मगर इतने इतने संगीन बहरान इतने चैलेंजेस के साथ सिस्टम हैज ऑन द प्रोसेस नाउ उल्टा अदर वे सो आप कह रहे हैं कि मियां साहब काब्य कबूल ही नहीं थे यू कुड अंडरस्टैंड मैं समझता हूं मियां साहब का अब रोल बनता है देखे ना छह सालों में छह वजीर आजम आए वो लिस्ट देखना हाँ हाँ। मियाँ साहब आए फिर अपना शाहिद खाकान आए वो आ, द, 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 मुल्क प्राइम मिनिस्टर है इमरान शहबाज शरीफ काकर उसमें छह में से चार जेल भी गए ठीक है ना तो अब इस वक्त मियाँ साहब शुड एक्ट एज अ स्टेट्समैन अच्छा स्टेटमैन से आपकी मुराद क्या है यू कीप एक स्टेट्समैन बने स्टेट्समैन से आपकी आज मुराद क्या है वोट इज द डेफिनेशन रवायती सियासतदान होता है वो कुर्सी के लिए लड़ता है मुझे न, कुर्सी दो मुझे नौकरी दो वो मुलाजम मटेलिटी उनकी बनी हुई है हाँ। कि ये, ये चाहिए वो परचूंगी दुकान जो तेराम के बाजार में होता है ना बाजारी हैगलिंग हाँ। कुछ दो कुछ दो हो, हो, हो वो वाली चीज जो, हो जो है। है। आजकल हो रही है जो आजकल हो रही है मुझे मुझे चेयरमैन का बना दें मुझे स्पीकर का बना दें भैया बिग पिक्चर स्टेट्समैन देखते हैं क्योंकि स्टेट्समैन होता है वो नवाज शरीफ नॉट रवायतीदान क्यों बन रहे हैं चार दिहाइयों की सियासत के बाद इतनी ऊंच नीच देखी है वाई इज रान सी नवाज शरीफ आई न्यू एंड नवाज शरीफ हु टुक ऑन एवरीबॉडी और बड़े फैसले किए हाँ। चाहे टेकिंग ऑन गुलाम इस खान न्यूक्लियर टेस्ट दोनों का मशवरा मैंने दिया था बाय द वे <laughs> और न्यूक्लियर धमाका किया जो किसी नवाज शरीफ वो आई एम लुकिंग फॉर हिम कहां हिजाब और वेयर एवर इज हाइडिंग लेकिन वो जो है इन्होंने घेर के उनको ड्रा के बंद कर दिया में और उसका है कि इसलिए भी अब लॉस्ट द इलेक्शन किसने डराया है और किसने घेरा है देखिए एक वक्त सब... आया आपने हाँ। देखा कि एक हॉकिश जो पॉलिसी थी मरियम साहिबा की उसने पार्टी को रिवाइव किया फिर खड़ा किया और बार बार तंकीद होती थी कि ये जो डव्स हैं इवन शबाश्रीफ साहब को उसी कैटेगरी में मरियम साहिबा और ये सब बाकी डालते थे ये पॉलिसी नहीं चलती मगर फिर आपने देखा बाजवा साहब के होते ही वो पॉलिसी इस्तेमाल हुई वो आई शबाश्रीफ साहब वजीर आजम बने और एक मुफामत का सिलसिला भी चला बट पावर टॉक्स टू पावर मजामत होगी तो मुफामत होगी कौन से पॉइंट पे डू थिंक के हावी आ गई नासिर कन्विंस हो गए अपने बयान में लेकिन हाँ उसका रिजल्ट हुआ कि आपने पावर की खातर आपने पीपल को लूज कर दिया पावर जो है पावर स्ट्रक्चर की हुँ, खातर कि वो जनरल बाजवा को खुश करना है, उनकी खुशनुदी करनी या उनको एक्सटेंशन दिलवाने की खातर आपने अपने जो बेस था तीस साल चालीस साल का बना हुआ मुस्लिम लीग नून का वो तो तबाह करके रख दिया ना यू लॉस्ट लाहौर लाहौर यू लॉस सेंट्रल पंजाब सर फैसलाबाद भी पूरा तो तो हाथ हो गया ना वहां से हाँ। तो ये मैंने प्रिडिक्ट भी किया था मिया साहब को मैंने मैसेज किया था जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू में मैंने कहा कि हमारी पार्टी फेडरल पार्टी से पंजाब पार्टी बन रही है हमारी पार्टी जो है अवामी हाँ। पार्टी से सरकारी पार्टी बन रही है और हमारा बयानिया इमरान खान ने ले लिया है और अगर यही काम चलता रहा वो पीडीएम वन के डिजास्टर की हाँ। बात कर रहा था तो द पार्टी विल बी ओवर इन द नेक्स्ट इलेक्शन आई प्रिडिक्टेड दिस इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी मैसेज और अब आप देखें उन्हें तस्लीम तो किया मैसेज का जवाब दिया नहीं वो तो मैंने जुलाई ट्वेंटी टू में मैसेज दिया था ना अच्छा, कि ये होगा हाँ। अगर ये, वो अनफॉर्चुनेटली वही हुआ है और स्लो मोशन में वही सबको स्लो हुआ है। मोशन तो ये एक रॉकेट साइंस नहीं थी कि इसमें एक सिचुएशन चेंज हो चुकी थी तो अगर अब हमेशा आप करते हैं जब चाहे फौज हो या सिविलियन हो कोई गलती हो या फेलियर हो आप रिव्यू करते हैं